This is NDTV. And you're watching Classics. एक वॉरशिप जो किसी सपने से कम नहीं, समंदर के सीने को चीरने वाला एक ऐसा लड़ाका जो दुश्मन को अपनी मौजूदगी का एहसास भी न होने दे। और उसके सिर उठाने से पहले ही उसे कुचलने की कुवत रखे। थ्री वर्ड्स, गन्स, गट्स एंड ग्लोरी। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लाखों वर्ग किलोमीटर का समंदर जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक फैला है। बिना युद्ध किए अगर आप अपनी बात मनवा लें तो वो सबसे बड़ी जीत कोई नहीं है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और अपनी सीमा में होने वाली हर तरह की घुसपैठ का एकदम सटीक जवाब देने के लिए बने हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की खूबियों से लैस ये शिवालिक क्लास फ्रिगेट। सतपुड़ा के जवान इसकी हर एक सीमा को पार कर जाएंगे। शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री, हिंदुस्तान की तीन पहाड़ियों के नाम दुश्मन के लिए किसी त्रिशूल से कम नहीं। दुश्मनों के हालत खस्ता करने वाला जहाज देश के हर हित की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। ये ना तो राडार की पकड़ में आते हैं और ना ही पनडुब्बियों की पकड़ में। लड़ाई में जाने की जरूरत ही नहीं है, दुश्मन हमसे इतनी डर गई है कि आज से कोई लड़ाई के मैदान पे हमारे सामने आ ही नहीं रही। घातक मिसाइलों और दुश्मन को तबाह करने की हर खूबियों से लैस ये देश ही नहीं दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाजों में शुमार है। टक्कर करनी है, आ जाओ, हम देख लेंगे। यही वजह है कि समंदर में इनकी मौजूदगी सरहदों को महफूज बनाती है, क्योंकि निशाना कहीं भी हो इससे बच नहीं सकता। फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन पर है, हवा में या फिर पानी के अंदर। ये देश की आन है, बान है, शान है। ऐसा जंगी जहाज जो दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक आंख यानी रडार की नजरों से बसता हुआ समंदर में बेधड़क घूमता है, ऐसी क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास है। करीब 60% देसी तकनीक से बने इस जंगी जहाज के इंडियन नेवी में आने से हिंदुस्तान की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ गई है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली फ्रिगेट का सपना करीब 1.5 दशक पहले देखा गया। इस मिशन को प्रोजेक्ट 17 का नाम दिया गया। साथ ही ये भी तय हुआ कि देश की जरूरतों के मुताबिक इसे हिंदुस्तान में देसी तकनीक से ही तैयार किया जाएगा। नौसेना ने इसका डिजाइन तैयार किया और बनाने का जिम्मा मिला मझगांव डॉकयार्ड को। इस क्लास की पहली फ्रिगेट शिवालिक 2010 में कमीशन हुई और इसके अगले ही साल यानी 2011 में सतपुड़ा को कमीशन मिला और अब बारी सह्याद्री की है जो इस साल कमीशन होनी है। इन तीनों पर करीब 8,000 करोड़ की लागत तो आई, लेकिन देश समंदर की सुरक्षा को लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इंडियन डिजाइन नॉट ओनली बिल्ट, इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन डिजाइन शिप भी है और टोटली इंडियन बिल्ट है और इससे हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी, अपना सेल्फ रिलायंस काफी बढ़ गया है।
आईएनएस सतपुड़ा और इस क्लास के दूसरे जंगी जहाज आने वाले 20-30 साल तक समंदर पर राज करेंगे, जिसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे बड़ी खासियत स्टेल्थ या इसके राडार सिग्नेचर का कम होना। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत ये कोशिश होती है कि कोई भी शिप या प्लेन जहां तक मुमकिन हो राडार की पकड़ से दूर रहे। इसके लिए अलग तरह का डिजाइन होता है और खास तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है, साथ ही हीट रेडिएशन को भी कम से कम रखा जाता है। शिवालिक क्लास के पूरे बेड़े में डीजल और गैस टरबाइन से चलने वाले बेहद ताकतवर इंजन लगे हैं, लेकिन हीट रेडिएशन ना के बराबर है और आवाज भी काफी कम होती है, जिससे पनडुब्बियों को इसकी थाह नहीं मिलती। इतना ही नहीं, ये फ्रिगेट किसी भी तरह के परमाणु या जैविक हमले से निपटने में पूरी तरह कारगर हैं।